गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ट्रिपल इंटीग्रल में एक और इम्पोर्टेंट इंटीग्रल है डिरिचलेट्स इंटीग्रल। एग्जामिनेशन में बहुत बार इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है और साथ साथ एप्लीकेशन के तौर पर इस इंटीग्रल को हम दूसरे कुछ इंटीग्रल्स हैं जिनको इस इंटीग्रल के शेप में मॉडिफाई किया जा सकता है वहां यूज करेंगे। लीजिए, डिरिचलेट्स इंटीग्रल क्या है? समाकलन का वॉल्यूम इस तरह के इंटीग्रल में जहां वॉल्यूम दिया हुआ हो, यहां वॉल्यूम है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, प्लेन ये वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जेड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वेयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू वन से परिबद्ध है। इस तरह के इंटीग्रल में लिमिट्स तय करने के लिए सबसे पहले हम वॉल्यूम है इसको ज्योमेट्रिकली देखेंगे। सो ये एक्सेट प्लेन दैट इज y greater than y equal to 0 and y greater than 0, और ये yz plane, so x equal to 0 and x greater than 0, and ये xy plane, ये xy plane जहां z equal to 0 and z greater than equal to 0 ऊपर की, और साथ में x plus y plus z equal to 1, यानी प्लेन जिसका अक्षों के साथ इंटरसेप्ट 1 है इक्वल, ये एबीसी प्लेन, एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन 1 अंदर की तरफ। सो एक प्लेन हुआ OAC XZ प्लेन अंदर की तरफ, ये YZ प्लेन एंड YZ प्लेन से पॉजिटिव डायरेक्शन में, XZ प्लेन पॉजिटिव डायरेक्शन में, और साथ में ये प्लेन X प्लस Y प्लस Z। सो ये जो टेट्राहेड्रन है इसका वॉल्यूम ही इस इंटीग्रेशन का वॉल्यूम है। तो लिमिट तय करने के लिए हम फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू जेड इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। एक्स की पावर एल माइनस वन, वाई की पावर एन माइनस वन, जेड की पावर एन माइनस वन। सो विद रेस्पेक्ट टू जेड इंटीग्रेट करेंगे तो स्पष्ट है एक्स और वाई कॉन्स्टेंट होंगी। सो वॉल्यूम को हम इस तरह की स्लाइसेस में काटेंगे जिनके लिए एक्स और वाई कॉन्स्टेंट हो, अर्थात पैरेलल टू जेड एक्सिस। ये लीजिए, ये जेड एक्सिस के पैरेलल स्लाइसेस काटेंगे। इन सभी के लिए हम देख सकते हैं जेड जीरो टू जेड प्लेन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वन, यहां से हम देख सकते हैं जेड वन माइनस एक्स माइनस वाई जो प्लेन है। सो जेड की लिमिट जीरो टू वन माइनस एक्स माइनस वाई,
अब हम मार्क्स और वाई की लिमिट तय करेंगे। सो इसके लिए हम एक्स और वाई की लिमिट के लिए ये जो वॉल्यूम है इसका प्रोजेक्शन लेंगे एक्स वाई प्लेन में। ये एक्स वाई प्लेन, ये लाइन जो कि जेड इक्वल टू जीरो प्लेन तथा प्लेन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वन का इंटरसेक्शन है। विद रेस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करेंगे इस फर्स्ट एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा, सो स्ट्रिप्स पैरेलल टू वाई एक्सिस जिनके लिए वाई वेरी करेगा वाई जीरो टू वाई लाइन दैट इज वन माइनस एक्स। एंड फाइनली एक्स की लिमिट एक्स जीरो टू एक्स सभी स्ट्रिप्स एक्स जीरो टू एक्स वन के बीच है, सो एक्स की लिमिट जीरो टू वन। और अब हम इसे सॉल्व करेंगे। विद रेस्पेक्ट टू जेड फर्स्ट इंटीग्रेट करेंगे, यहां एक्स और वाई कॉन्स्टेंट है, तो इस इंटीग्रेशन से बाहर लेंगे। इसे इंटीग्रेट करेंगे जेड की पावर एन अपॉन एन जीरो टू वन माइनस एक्स, सो ये वन अपॉन एन कॉमन लेंगे। सो एक्स की पावर एल माइनस वन वाई की पावर एन माइनस वन इंटू वन माइनस एक्स माइनस वाई की पावर एन। अब हम विद रेस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करेंगे लिमिट वाई की जीरो टू वन माइनस एक्स। सो वाई के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे तो स्पष्ट है एक्स कांस्टेंट रखेंगे, सो प्योरली एक्स का टर्म जो एक्स की पावर एल माइनस वन है इसे मैं इंटीग्रेशन से बाहर रख रहा हूं एल माइनस वन। सो वाई की पावर एन माइनस वन इंटू वन माइनस एक्स माइनस वाई की पावर एन। इस इंटीग्रेशन में हम पुट कर रहे हैं y इक्वल टू वन माइनस एक्स इंटू साइन स्क्वायर थीटा, सो dy वन माइनस एक्स टू साइन थीटा cos थीटा d थीटा। सो ये होगा 1 माइनस एक्स की पावर एम माइनस वन साइन थीटा की पावर 2m माइनस टू एंड 1 माइनस एक्स की पावर एन एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर सो कॉस स्क्वायर सो
कॉस थीटा की पावर 2n इंटू इसे मैं यहां लिख रहा हूं 1 माइनस अक्स साइन स्क्वायर थीटा डी वाई 1 माइनस अक्स इंटू 2 सो डी वाई 1 माइनस अक्स इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा ये इंटीग्रेशन का साइन लिमिट्स जब y जीरो होगा स्पष्ट है साइन स्क्वायर थीटा जीरो साइन थीटा जीरो सो थीटा जीरो एंड जब y 1 माइनस एक्स सो थीटा पाई बाई टू चेक कर लेंगे हम y को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ये ब्रैकेट के अंदर जो इंटीग्रल है इसे इंटीग्रेट करने के लिए y 1 माइनस एक्स इंटू साइन स्क्वायर थीटा यहां पुट कर रहे हैं सो 1 माइनस एक्स कॉमन आएगा 1 माइनस एक्स की पावर आई एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर सो कोस स्क्वायर थीटा की पावर एन सो कोस थीटा की पावर 2n एंड डी वाई यहां से 1 माइनस एक्स डिफ्रेंशिएट करें इसे सो 1 माइनस एक्स इंटू 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा और लिमिट्स नए वेरिएबल थीटा की लिमिट्स यहां से पढ़ेंगे लोअर लिमिट के कोरस्पॉन्डिंग लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट के कोरस्पॉन्डिंग अपर लिमिट सो ये इसकी वैल्यू सो 1 बाई एन 0 टू 1 एक्स की पावर एल माइनस 1 यहां से 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1 एन एन प्लस 1 सो टोटल 1 माइनस एक्स की पावर एन प्लस एन एंड साथ में 2 बाहर लेंगे सो इंटू 2 ये इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 साइन थीटा की पावर टोटल 2m माइनस 1 2m माइनस 2 एंड प्लस 1 एंड कॉस थीटा की पावर टोटल 2n प्लस 1 2n एंड प्लस 1 2 by n 0 to 1 x की पावर n minus 1 1 minus x की पावर n plus n ये लिमिट्स 0 से pi by 2 और sin cos का फंक्शन सो गामा फंक्शन से हम लिख सकते हैं गामा n एंड गामा n plus 1 cos की जो भी पावर है उसमें plus 1 upon 2 sin की जो भी पावर है उसमें plus 1 upon 2 अपॉन ट्वाइस गामा इन दोनों का सम एम प्लस एम प्लस वन सो टू से टू कैंसिल करते हुए इसे लिख सकते हैं गामा एम प्लस वन अपॉन एम गामा एम प्लस वन इंटू जीरो टू वन x की पावर l माइनस 1 1 माइनस x की पावर n प्लस n dx अगेन इसे इंटीग्रेट करने के लिए हम x पुट करें x इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा सो डिफरेंशिएट करने पर dx साइन अल्फा कोस अल्फा
सो इंटीग्रल गामा एन प्लस वन एन गामा एन प्लस वन. सो अक्स साइन स्क्वायर अल्फा, सो साइन अल्फा की पावर 2l माइनस 2 एंड अक्स साइन स्क्वायर अल्फा, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, सो कोस अल्फा की पावर 2l प्लस 2n इंटू 2 साइन अल्फा कोस अल्फा डी अल्फा. लिमिट्स यहां लिमिट्स क्या रहेंगी? जब एक्स जीरो है तो इसके करेस्पॉन्डिंग अल्फा जीरो, और जब एक्स वन है तो इसके करेस्पॉन्डिंग अल्फा पाई बाई टू. और ये गामा एन प्लस वन एन प्लस वन, यहां से टू बाहर ले लें, इंटीग्रेशन के साइन के बाहर लें, और साइन अल्फा की टोटल पावर टू एल माइनस वन, टू एल माइनस टू एन प्लस वन, एंड कॉस अल्फा की टोटल पावर 2m प्लस 2n प्लस 1. ये गामा n प्लस 1 n गामा n प्लस 1 इंटू 2. ये साइन कोस का फंक्शन और लिमिट जीरो से पाई बाई टू. सो गामा फंक्शन से गामा 2l माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2. सो ये हो गया l गामा प्लस 1 अपॉन 2 करेंगे तो ये m प्लस 1 एंड ट्वाइस गामा इन दोनों का सम. सो l प्लस m प्लस n प्लस 1. गामा एन, गामा एन प्लस वन को हम लिख सकते हैं एन गामा एन, ये टू से टू कैंसिल, गामा एल, और ये फ्रॉम गामा एन प्लस वन गामा एन प्लस वन से कैंसिल अपॉन एन एंड गामा एल प्लस एन प्लस एन प्लस ऑफ गामा एल गामा एन ये कैंसिल है गामा एल प्लस एन प्लस एन प्लस ये इसकी वेट. ध्यान दें यहां वॉल्यूम जरूरी है बाउंडेड बाय एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जेड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू वन. देन हम इंटीग्रेशन में जो फंक्शन है एक्स रेस टू एल माइनस वन है, सो वहां प्लस वन करते हुए लिखेंगे, वाई की पावर एन माइनस वन प्लस वन करते हुए लिखेंगे, जेड की पावर एन माइनस वन प्लस वन करते हुए लिखेंगे अपॉन गामा इन तीनों का सम प्लस वन. ये इसके लिए एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है.